आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ता। कोफ्ता बनाने के लिए घीया हमने कस के रख लिया है। अब इसमें हम जीरा ऐड करेंगे, फिर उसके बाद धनिया पाउडर, फिर थोड़ा हल्दी पाउडर, गरम मसाला ऐड करेंगे पकौड़ी बनाने के लिए। फिर नमक ऐड करेंगे। हाँ, घीया को हमने घिस लिया, उसके बाद इसका सारा पानी निचोड़ के निकाल दिया। फिर इसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, नमक, जीरा ऐड कर लिया है। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। बेसन, उसके बाद बेसन ऐड। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसकी पकौड़ी बनाएंगे। देखिए, इसका डो बनके तैयार हो गया है। आपको इसी तरह इसका डो बनाना है। देखिए, अब इसकी पकौड़ी बना रहे हैं। ऐसे छोटा छोटा बना लेना है, इसको धीमी आंच में पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज आंच ना रहे, नहीं तो ये काला जल्दी हो जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा। देखिए, हमारी पकौड़ी बन रही है। कोफ्ता बनाने के लिए हम प्याज, मिर्च, अदरक, लहसुन इसको सब चॉप कर लिए हैं, उसके बाद टमाटर भी पीस के रख लिए हैं। फिर इसमें हम हरा धनिया ऐड कर रहे हैं। आपकी इच्छा हो कर सकते हो, जिसको नहीं पसंद है नहीं कर सकते। हमने हरा धनिया भी थोड़ा सा पीस लिया है। उसके बाद हम मसाला तैयार करने के लिए धनिया पाउडर ले रहे हैं, थोड़ा गरम मसाला लेंगे, हल्दी लेंगे। हाँ, हम आप थोड़ा सा अपनी फैमिली के हिसाब से बना सकते हैं। हम अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। अब इस मसाला का हम घोल बना लेंगे। सारा मसाला हमने, आप अलग अलग भी ले सकते हो, हमने एक साथ ही सब मिक्स कर दिया है। इसको भी हमने सारा मसाला, इसमें प्याज मिर्च वगैरह सब एक ही साथ में एक ही बर्तन में रख दिया है। आप अलग अलग भी कर सकते हो जैसे आपको। ये देखिए, हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ऐसे आपको इसको पकाना है धीमी आंच पे। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, तेल हमारा गरम हो गया, उसी तेल में हम अब जीरा ऐड कर दे रहे हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा बीच बीच में ऐसे कांटे वाले चम्मच से या किसी चीज़ से ऐसे छेद कर देना है, ताकि इसमें अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए। अब प्याज ऐड करेंगे। ये देखिए, प्याज हमारी पक रही है। हाँ, इसमें बनाने के लिए हम 5-6 प्याज दिए थे, 3-5-6 मिर्च। आपको जैसे तीखा बनाना है तो आप ज़्यादा भी मिर्च लो। 4 लोग के लिए बनाना है तो 4-5 प्याज, 2-3 मिर्च ले सकते हैं, आधे चम्मच मसाला। मसाला अपना स्वाद अनुसार होता है। जैसे आपको ज़्यादा हीट खाना है तो ज़्यादा मसाला ले सकते हो, हल्का बन हीट खाना है तो कम मसाला डाल सकते हो इसमें। अब इसमें थोड़ा नमक ऐड कर देंगे हम। देखिए, हमारी प्याज एकदम पक चुकी है। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे।
पड़ेगा क्योंकि इसकी ग्रेवी अच्छे से बन जाए। देखिए इसमें हमने टमाटर भी ऐड कर दिया है। अब इसको थोड़ा हल्का ही पानी डाल के पकाएंगे थोड़ी देर तक, 10-15 मिनट तक। देखिए मसाला हमारा पक्के एकदम तैयार हो चुका है, कितना अच्छा कलर आया। इसमें पानी ऐड करेंगे हम। हाँ ये हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग है, यानी 5-6